फ्रेंड्स आज मैं आपको एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊँ कि एक ये फीमेल है, ये साइबेरियन हस्की की फीमेल है स्टोक कोट में, और साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ दिखाता जाऊँ कि ये मेल है, ये हस्की का मेल है। अच्छा, स्टोरी इसकी ये है कि मैं तकरीबन आज इसका फीमेल का जो है 12वां दिन है, आज इसको मेट होना था, 11वें दिन भी ट्राई की मुझसे नहीं हो पाई, और आज 12वां दिन था, आज भी मैं तकरीबन कोशिश करता रहा हूँ इसको मेट कराने की। ये फीमेल लतीफ़ भाई ने मुझसे ली थी, लतीफ़ साहब हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, बहरीन में होते हैं, उन्होंने ये पसंद की थी, उन्होंने ली थी, और उन्होंने कहा था कि ये मेट करवा कर मेरे पास भेजना, बेसिकली वो पिंडी से बिलोंग करते हैं, तो मेट करवा कर मेरे पास भेजना। तो मैंने सोचा कि आज टाइम पूरा हो गया तो उसको मेट करा लूँ, तो मेट कराने की मैंने काफ़ी कोशिश की है, तकरीबन घंटे से डेढ़ घंटा मैं कोशिश करता रहा। अच्छा, सारी कोशिशें करने के बाद अकेला था और एक लड़का मेरे साथ और था, तो मैं नहीं करवा पाया मेट, नहीं करवा पाया। तो मेरे जहन में एक पुराना ख्वाब आया कि मेरे पास पहले भी एक ऐसा सीन हुआ था, पिटबुल की फीमेल थी, वो मेट नहीं हो पा रही थी, तो एक दोस्त था जिसने मेरी काफ़ी हेल्प की थी और साथ आकर वो मेट करवा दी थी, बड़ी वो भी जो है ना रियल फीमेल थी, तो आए उस दोस्त से मिलवाता हूँ, और उनको मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट करके वहाँ से जाकर उनको रिक्वेस्ट करके साथ लेकर आया हूँ। 10 मिनट के सफ़र में हमें लगे 2 घंटे, और 2 घंटे क्यों लगे आके उससे पूछते आएँ। अस्सलाम वालेकुम सरमद भाई। वालेकुम सलाम असद भाई। भाई ये है वो दोस्त मेरा जिसको मैंने बुलाया, और अभी हम ये फीमेल मेट कराएंगे। सरमद भाई बताएँ क्या हुआ आज? बस असद भाई आपकी मोहब्बत में चले आए जी, आते आते 1.5 घंटा लग गया, और आपको पता है कि रास्ता कितना लंबा था, और रास्ता हालांकि 10 मिनट का है, लेकिन बस वो कहते हैं ना कभी किस्मत साथ नहीं देती, तो 10 मिनट का रास्ता 1.5 घंटे में लग गया। कभी बाइक की चेन टूट गई, दूसरी बाइक मंगाई तो उसकी भी चेन टूट गई, फिर तीसरी बाइक मंगाई, फिर उसका आते आते पंचर हो गया, और फिर अब फाइनली 1.5 घंटे के अंदर हम लोग असद भाई के कैनल पे आ गए, और मुझे उम्मीद है कि अब हम खाली नहीं जाने वाले, आज हम ये फीमेल मेट करा के ही जाएंगे। आज खाली कैसे जाने देंगे, असद भाई ने बुलाया तो उनका काम तो लाजमी पहले पूरा करना है, वो करके इंशाल्लाह फिर देखें बाकी जो खुदा की मर्जी। अच्छा फ्रेंड्स, सरमद भाई बहुत अच्छे ब्रीडर हैं, और तमाम ब्रीडर्स की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, और ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, इनकी भी मैं तमाम दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, तो चलें मेहनत करते हैं। बहुत शुक्रिया आपने जी। सरमद भाई देखें सेटअप। अच्छा भाई, आप मेरे पास बैरिया टाउन वाले कैनल पे आए, मेरे घर पे आए। अच्छा ये सेटअप एक और है मेरा, यहाँ पर आप मेरे ख्याल से नहीं आए? नहीं असद भाई, ये मेरा पहला बार है यहाँ पे। अच्छा फ्रेंड्स, ये काफी अच्छे दोस्त है मेरे, लेकिन यहाँ पर ये नहीं आए, इस सेटअप पे पहली बार आए। वैसे कहते हैं कि दोस्तों को लाना चाहिए, मैंने काम के टाइम बुलाया, ये मेरी गलती है, मुझे आपको पहले दिखाना चाहिए था। भाई ऐसी कोई बात नहीं, ये पिटबुल की फीमेल है, ये देखें। बल्कि मुझे यहाँ का भी सेटअप माशाल्लाह से पसंद आया, और पहला मेरा फेवरेट ब्रीड पिटबुल की आई है माशाल्लाह से, अच्छे कद काठी में फीमेल है, जबरदस्त। ये पिछली लाइनों में मेरी लाइन में ही लगती है कि कभी ना कभी इसके माँ बाप मेरी ब्लड लाइन में से होते होंगे। जबरदस्त। अच्छा ये देखें, ये वाला मेल मैंने आपका, ये तो मेल है ना, ये असद भाई बड़ी प्यारी चीज है, और बस इस पर थोड़ी सी मेहनत और है, इसने अपने आप को प्रूव करना है, तो आप भी इसको बड़ा पसंद करेंगे जब ये अपनी जोबन में आएगा। सरमद भाई ये जब मेरे पास आया था टिक फीवर में था, नहीं कंडीशन बहुत रफ थी, अभी ये काफी बेहतर हो चुका है, और मैं पूरा का पूरा टाइम दे रहा हूँ उसको। नहीं थोड़ा और इसको मजीद टाइम दे, इसने और अच्छा बन जाना है। जबरदस्त। अच्छा आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा ये मैंने इसमें बहुत ज़्यादा लश्कर किया हुआ है, इसमें ये होता है कि डेलमेशियन बार खुले रहते हैं, जर्मन शेपर्ड्स भी खोल देते हैं, शेम्यूट को मैंने अलग किया हुआ है कि इसकी फीमेल हीट पे आएगी। समझे असद भाई, ये पूरा एक फैमिली डॉग्स का केज है, हर ब्रीड आपको यहाँ पे नजर आ रही है, सारे माशाल्लाह आपस में बहुत फ्रेंडली है, मैं तो देख के हैरान हो गया कि एक से एक ब्रीड एक जगह पे कैसे रह रही है। मेरे पास कुत्ते लड़ते नहीं है, टेंपरामेंट अलग, बड़ी बात है सर, बड़ी बात है माशाल्लाह। अच्छा सेम्यूट देखें, मैं यही देख रहा था कि होली कोट कुत्ता कौन सा है, तो अभी मुझे पता लगा ये तो जायंट सोमोइड है माशाल्लाह, बहुत प्यारा है, इसका फर वगैरह और पॉज वगैरह बहुत प्यारा है। अच्छा आगे आए, मैं इसकी फीमेल दिखाता हूं, अलग रखने की वजह, अच्छा ये केज है इसमें सेम्यूट ही रहते हैं, इसको अलग इसीलिए किया है कि ये फीमेल आज ही सीजन पे आई है। मैंने पूछा भी था आपसे कि दोनों को अलग क्यों रखा हुआ है, वो फिर आपने मुझे बताया था माशाल्लाह मेल तो है ही क्लास का, लेकिन फीमेल अपनी क्लास में। हाँ फीमेल थोड़े से छोटे साइज में होती है ना मेल से, एज कम्पेयर टू मेल। जी जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अच्छा आगे मैं देख रहा हूँ आपके पास हस्की माशाल्लाह काफी है। हाँ बस खूबसूरत है ये देख। अच्छा असद भाई ये वही मेल है जिसकी बात आप कर रहे थे मुझसे, इसी से ही फीमेल मेट करानी हमने आज। जबरदस्त जबरदस्त, ज्यादा अलग ही है। अच्छा ये फीमेल भी लॉन्ग कोट के साथ में, ये फीमेल अभी ब्रीड से फारिग हुई है, थोड़ा कमजोर भी लग रहा है कि अभी रिसेंट इसने लिटर दिया है, तो ये फ्री हुई है। हाँ फ्री हुई है, तो अब दोबारा ये कोट वगैरह में आएगी, इसी महीनों में भी सर्दियां आ रही हैं, लिटर चलने हैं बस, थोड़ी बहुत मेहनत है। अच्छा ये तो आपने देखा है मेरे पास, अरे ये तो मेरी जान है, फेवरेट है गुड्डा।
ये बचपन से ही फेवरेट है, जब से लाया थे तब से मेरा फेवरेट है, अगर आपको याद हो। बिल्कुल, वहाँ पर भी आपने देखा था मेरे पास ये। आए जरा मैं दिखाऊँ आपको। अच्छा ये स्लीपिंग ब्यूटी कौन है? हाँ ये, अच्छा ये असद भाई वही है जिसने रिसेंट लेटर दिया था आपके पास? रिसेंट लेटर दिया था ये, जो मैं जाकर आपने एक मुझे बुली बताया था उससे मेट करा के आया था। बिल्कुल, वो बड़े वाइट बुली से। जी ये अभी फारिग हुई है लेटर से, वो भी हमारे एक भाई का ही। बहुत कमजोर थी, हेल्थ में आ गई है दोबारा, माशाल्लाह अपने साइज में आ रही है जी। और ये वो फीमेल है जिसने मुझे आज पूरा दिन, कल पूरा दिन बेजार किया है। और ये जो है ना, इसको कराना है मेट असद भाई? बिल्कुल इसी को कराना है। ये वो फीमेल है जिसने मुझे, कोई बात नहीं, जिसने आप आज मुझे डिस्टर्ब किया और जिसके लिए आपको तकलीफ दी है। अरे नहीं, इसमें तकलीफ, लेकिन इसमें अच्छी चीज है, मुलाकात भी हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है, काफी टाइम अच्छा। बाद मिल रहे हैं असद भाई, लेकिन ये कि अच्छा हुआ काफी अच्छा इधर आए। इनमें से बताएं, ये दो फीमेल है मेरे पास, एक ये है, ये देखें, ये है असद भाई। यकीन मानो जब मैं कैनल में एंटर हूँ, पहली नजर ही इस फीमेल पर पड़ी थी। अच्छा, और अब तक मुझे अच्छा पिटबुल में, मतलब आपके पास देखें पिटबुल्स ही होते हैं, आप मुझे थोड़ा सा गाइड करें, आपको इस फीमेल में ऐसा क्या नजर आया कि आपकी नजर इसी पे पड़ी और सिर्फ इसी के बारे में बोल रहे हैं कि ये चीज वो है। मैं आपको बताता हूँ इसकी स्पेशल चीज क्या है। स्पेशल चीज है इसका साइज, एज कम्पेयर टू साइज इसका बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट के साथ साथ ये अपने हर चीज में प्रॉपर है। साइज इसका क्या कह सकते हैं आप? इसको ना स्टैंडर्ड कह सकते हैं, ना इसको आप पॉकेट कह सकते हैं, ना इसको एक्सेल कह सकते हैं। ये क्लासिक साइज में आती है ये फीमेल। जबरदस्त। अच्छा ये वाली बताइए ब्लू कलर में। अब सर एक तो ब्लू कलर है, ऊपर से फीमेल हाइट में भी माशाल्लाह प्यारी है। सर क्लासिक से ऊपर जो साइज आता है ना उसको कहते हैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड कह लें या एक्सेल कह रहे हैं। एक्सेल नाम की कोई चीज होती नहीं है, डिपेंड ये करता है यहाँ पे कि बुलीज में आता है, बट ये थोड़ा पिटबुल की टच में है तो इसको एक्सेल साइज कह सकते हैं, क्योंकि बाकी एज कम्पेयर टू आपकी छोटी पिटबुल से वो बड़ी है। इस फीमेल का आपने कहा कि ये मेरे कुत्ते से मेट, इंशाल्लाह देखा जाएगा इंशाल्लाह, और डन है बस। ये फीमेल जो है सरनंद भाई के कुत्ते से मेट कराऊंगा, और वो लोग आपको देखने को जरूर, वो वीडियो मिलेगी उसका कंप्लीट, उसकी वीडियो भी बनाएंगे और व्यूवर्स से शेयर भी करेंगे। और ये वही मेल है जो आज से पहले एक और वीडियो में आ चुका है जिसका काफी ज्यादा चर्चा भी हुआ। अच्छा जबरदस्त। अच्छा फ्रेंड्स, तो सरनंद भाई जी, असद भाई चले मीटिंग की तरफ, मीटिंग कराते हैं, चले मीटिंग करवाते हैं, उसके बाद फारिगो के बात करते हैं। जी लतीफ भाई, ये फीमेल लॉक हो गई है, ठीक है, और बड़ी मुश्किलों से हुई है लेकिन हो गई है लॉक, ठीक है जी। सर आपकी गुत्थी मेट करा दी बस, ठीक है भाई। फ्रेंड्स फाइनली तकरीबन 15-20 मिनट की मेहनत के बाद हम अपने जो हमारा मकसद था उसमें सक्सेसफुल रहे हैं। जी सनत भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? असद भाई माशाल्लाह से आपका मेल भी बड़ा प्यारा है और फीमेल तो वही प्यारी। अच्छा अच्छा, मुझे दोनों आपका पेयर माशाल्लाह प्यारा लगा, अच्छा लगा। और फाइनली कोशिश करने के बाद, आपको पता है जब इंसान कोशिश करता है तो बहुत कुछ होने को हो जाता है। अच्छा, तो सक्सेसफुल मीटिंग रही है। जबरदस्त, असद भाई का मैंने काम करा दिया। मेरा नहीं, फीमेल का भाई। असद भाई हमारे बड़े प्यारे भाई, और असद भाई को कभी मना नहीं कर सकता मैं, बस असद बिल्कुल भाई। अच्छा, बहुत बहुत यकीन करें, दिल से मैं आपका शुक्र गुजार हूँ। रात में फ्रेंड्स 8 बजे तक ये जॉब करते हैं, 8 बजे के बाद जॉब से फौरन आकर कॉल की कि मैं घर पहुंच चुका हूँ, आप आ जाएं, फिर मैं लेने गया और बड़ी तकलीफों से रास्ते में चैन वैन तुड़वाते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं 2 घंटों में। अब तकरीबन रात के 11 बज चुके हैं, उसके बाद वापस जाएंगे। तो बहुत खुशी हुई मुझे कि आपने मुझे टाइम दिया और बहुत मेहनत की। जब ब्रीडर्स आपस में बैठते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो सारे काम हो जाते हैं, चाहे कोई भी हो, एक दूसरे के काम आते हैं। 2 दिन से जो काम मुझसे नहीं हो पा रहा था वो सरमद भाई ने कर दिया। बस जो जहाँ पे मैं हेल्प आउट कर सकता हूँ किसी को, मैं जरूर करता हूँ, और ये तो फिर हमारे भाई हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आती रहे। इसी के साथ साथ मुझे सरमद भाई को और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।